ఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ కర్ణసాగర్ ప్రభుజీకి ప్రేమ భక్తి శ్రీబంధు, ఆపన దో భయం బడి సుందర్ శ్రవణకి హమ్ని మిల్కర్ గాయ. యోగ కీ మహిమా ఇస్మే హమే అచ్చీ తరహ బతాయి గయి భయం మే. యోగ సే మనుష్య ఇస్ జీవన్ మే సుఖీ రహతా హై ఔర్ యోగీ పరమార్థ కా సాధన హై ఔర్ యోగ కా ఆధార్ पहला आधार शरीर है. शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी है, उसको भी शरीर ही कहते हैं. आत्मा हमारे अंदर है तो आत्मा का तभी मुक्ति को प्राप्त आत्मा कर सकते हैं जब ये शरीर और सूक्ष्म द्वारा हम योग करें. शरीर से ही योग आरंभ होता है. हठ योग में तो जितने साधन है शरीर से संबंधित हैं और जो प्राण नाड़ियों के साथ संबंधित हैं कुंडलनी आदि वो भी शरीर के साथ संबंधित हैं और उन्हीं द्वारा मनुष्य दशम द्वार पर उठते हैं. राजयोग के अंदर भी सूक्ष्म शरीर जो मन है चित्त है उस द्वारा ही हम योग करते हैं. तो कहने का भाव यह है कि अगर आत्मा का कल्याण करना है तो शरीर को हम नहीं भूल सकते, जिसे हम आज भूले हुए हैं. हम शरीर को वो महत्व नहीं देते जो महत्व मनुष्य को देना चाहिए, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों में ही अगर कोई हमारे कल्याण और हमारे सुख का साधन है तो शरीर ही है. इस शरीर के सुख के लिए बड़े बड़े धनाढ्य लोग सरकारें बड़े बड़े अस्पताल खोलती हैं कि कुछ ही शारीरिक दुख हो पाओ. मानसिक दुख का तो कोई है नहीं कहीं भी, शारीरिक दुख के लिए होते हैं, परंतु यह लोक की दृष्टि है. योगियों की दृष्टि इससे भिन्न होती है. लोक की दृष्टि कहती है कि इस शरीर को दुख आए कोई ना, दुख आएगा तो अवश्य में उसका उपचार करना पड़ेगा, परंतु योग का दृष्टिकोण यह है कि इसको दुख आए कोई नहीं, तो उसके लिए फिर इसलिए योग में साधन बनाए. ये नहीं कि अगर योग कहता है कि दुख आए ना तो उसको उपाय नहीं है. योग में उपाय है जिसको करने से हम ये निश्चित हो जाते हैं कि हमें दुख नहीं आएगा और हमें फिर वो बड़े बड़े अमीरों के बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं जिनमें बड़े अस्पताल खुले हैं हम दान करते हैं. वो दान तो करते हैं, वो तामसिक दान है कि अज्ञान है कि हम जरूर बीमार होना है, बिल्कुल नहीं. सात्विक दान ये है जो प्रभु जी कर रहे हैं, ऐसी विद्या का प्रदान कर रहे हैं जिससे कि शरीर को या मन को रोग लगे ना और ये जीवन इस प्रकार चले कि आत्मा सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर सके. हम इसी पर कई स्तरों से विचार कर रहे हैं कि देखो
योग के अंदर ऐसे साधन है जिसको एक एक अंग के लिए बताया गया है कि कितने अंग है। ये शरीर तो एक ऐसी मशीनरी है जिस जैसी मशीनरी कोई हो ही नहीं सकती, और उसके अनेकों अंग हैं, और हर एक अंग के लिए योग में साधन है कि उस अंग को हम खराब होने न दें। जैसे एक मैकेनिक होता है, उसको अपनी मशीन के एक एक पुर्जे का जोर होता है, देखता है हर एक पुर्जे को साफ करता है, वो पुर्जा घिस जाए तो वह उस पर लगा के रख देता है, और उसको पता है कि मशीन के एक पुर्जे की खराबी से भी सारी मशीन ठहर जाएगी। योग में सब यही है कि वो तो एक साधारण मशीन है, शरीर तो एक अलौकिक मशीन है। तो हमने देखा पिछले सप्ताह में कि हम अगर चाहें कि हमें रोग ना लगे तो हमें एक एक अंग का ध्यान रखना होगा। एक अंग भी बिगड़ जाए तो सारा शरीर जो है फिर रोगी हो जाता है, और जिसको रोग कहते हैं, जैसे मैं बताया था कि रोग आमतौर पर रोग कहते हैं ज्वार को, तो ज्वार हम कहते हैं रोग नहीं है, ज्वार किसी अंग के खराब होने की निशानी है, उसे ज्वार हो जाता है, ज्वार खुद रोग नहीं है। तो हमने देखा था कि हम अगर कंधे के ऊपर के जो अंग है सिर के, जिसमें पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, उनको कौन से साधन हैं जिनसे हम सदा स्वस्थ रख सकते हैं, उनके अंदर कोई समस्या नहीं आएगी, परंतु हम उनका ध्यान योग के साधन जो है उन द्वारा अवश्य करते रहे, रोज करते रहे। साधन कम है, रोग ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन थोड़े साधनों से उस ज्यादा आने वाले रोगों से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो वो साधन तो हम अपने किए, और एक एक अंग को देखा, सिर को देखा, आंखों को देखा, कान को देखा, गलों को देखा, सबको देखा, कि कौन सा साधन है जिससे न गला बिगड़े, न आंखें बिगड़े, न कान बिगड़े, न सिर में कोई दर्द हो, और उससे कई जो रोग है, नाक से खून आना या आंखों के सूज जाना या आंखों का लाल होना, ये सारे कौन से साधन है। अब देखिए उसको ऋषि ने बनाया है, उन्होंने एक एक अंग को लेकर साधन बनाए, इन साधनों को करो और ये तुम्हारे अंग सुरक्षित रहेंगे, फिर तुम्हें किसी जगह नहीं जाना पड़ेगा अपनी आंखों के लिए, या अपने कानों के लिए, या अपने सिर के लिए, या अपने गले के लिए, करो। तो ये है असली अप्रोच जो स्वास्थ्य की है, जो अस्पताल है उनके लिए अप्रोच है कि बीमार हो जाओ और आ जाओ, पर बीमार हो ही क्यों, ये प्रभु जी बतलाते हैं कि बीमार होना ही नहीं है, करो साधन करो जो करते हैं वो ठीक रहते हैं। पिछले सप्ताह हमने पेट के ऊपर आए थे, नीचे उसके पेट के अंदर तो इतना कुछ है कि वो गिरने नहीं जा सकता, वो तो ना कोई इस दृश्य देख सकता है, ना ही कोई साइंस की दृष्टि से भी उसके एक एक चीज को देख सकता है, वो तो एक अलौकिक क्रियाएं हो रही है, वहां अजीब क्रिया हो रही है, वहां तो खून की लहरें चल रही है, प्राण चल रहा है, भोजन चल रहा है, सोते सोते भी आते काम कर रही है, वो तो एक अलौकिक मशीनरी है जो ईश्वर ने बनाई है, और उसके हम सारी चीज को तो नहीं देख सकते, ना उसको अप्रोच कर सकते, लेकिन ये है कि साधन ऐसे बनाए ऋषियों ने कि जैसे एक योग का सुर है, एक राम बाण एक बाण से कई भी गिनेंगे, एक साधन से बताया कि कितने ही शरीर के अंग ठीक रहने लगते हैं। मुख शरीर के हमने बताए थे चार अंग हैं, मुख जो अंदर है, अगर वो उनमें से खराबी आ जाए तो मनुष्य के प्राणों के ऊपर खतरा हो जाता है, और बहुत से हैं। देखिए चार तो ऐसे हैं कि हमारे अगर हम कोई दूर ध्यान ना देंगे तो हमारे प्राण नहीं बच सकते। बस एक तो हमने बताया था जो गुर्दे हैं, वो खराब हो गए तो मनुष्य नहीं बच सकेगा। अब ये योग कहते हैं कि हम उनको जब खराब हो जाए तो फिर अस्पताल में चले जाओ,
तो जाने पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं कि खराब होने के दो साधने, बच के रहो। पर बच के रहते नहीं, कहते हैं उसके हुए गुर्दे मेरे थोड़े खराब होंगे, और जब हो जाते हैं तो उसी भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह पैनक्रियाज है, आज लाखों लोग पैनक्रियाज के लापरवाही के कारण डायबिटीज के रोगी बने हुए हैं। योग नहीं करते, योग कर रहे हैं पैनक्रियाज नहीं खराब होगी और नहीं आपकी शुगर होगा। फिर आपका लीवर है, मिलता है, लीवर के बिगड़ने से तो सारे सारे बिगड़ा है। लीवर तो खून का एक भंडार है जहां से खून जाता है सब जगह। और चौथी चीज जो है वो है तिली, जिसके विषय में हमने बताया था कि डॉक्टरों को आज से 40 साल पहले पता नहीं था तिली का फंक्शन क्या है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक शरीर का आंतरिक अंग है। तो चार चीजों को अगर हम ठीक रख सकें तो वो बड़ी गनीमत है, और चार चीजों में एक भी बिगड़ जाए तो जीवन नहीं बच सकेगा, थोड़े साथ दिएगी। और इन चारों को ठीक रखने के लिए जो साधन है, साधन सब योग के साधनों को तो प्रभु जी ने इतने आसान बना दिए। प्रभु जी ने यह कहा कि हम एक तो जंगलों से योग लाए हैं गृहस्थियों के लिए, और गृहस्थी के लिए आसान चीज होनी चाहिए और उन सबको आसान कर दिया। ये है प्रभु जी की करामात जो इस आश्रमों के अंदर है। हमने पिछली बार गुर्दे और तिली के बारे में बताया था, जो गुर्दा क्या होता है, तिली क्या होती है। आज जो हमें आपको मिलेगा हमारी शिक्षा कांड में इनका वर्णन भी, कि जो पैनक्रियाज है ये है क्या, कहाँ है, कि इसका स्वरूप क्या है और ये करती क्या है, और बीमार होकर ये क्या, इसके नुकसान क्या होता है, कैसे नुकसान होता है। तो ये उसी पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं कि ये पैनक्रियाज के बिगड़ने से शुगर हो जाती है मनुष्यों को, पर वो है क्या चीज, इसको हमने उस पुस्तक में लिखा है मध्य ग्रंथि, क्योंकि शुगर के साथ संबंध है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ है, कैसे फंक्शन करती है, और ये इसका इसके बिगड़ने से किस तरह नुकसान होता है। ये पेट के अंदर एक सीधी चिपकी हुई मांस की टुकड़ा है, वहां पर अंग्रेजी में पढ़ेंगे लाइस ट्रांसवेंसली अक्रॉस द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। अब ये इसका आकार कैसा है, वहां लिखा कि आपको मिलेगा ये 6 इंच इसकी लंबाई है, इसकी 1.5 इंच की चौड़ाई है और 1 इंच की मोटाई है। ये ऐसा मांस का टुकड़ा है। अब यहां निकालो तो मांस का टुकड़ा है, अंदर आओ तो ये एक मशीन है, और वजन इसका 3 औंस। ये है वहां जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, जो कि हमारे डायबिटीज का फंक्शन खराब होने से हो जाते हैं। अब इसका ये कैसे, इसका फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करती है। इस पैनक्रियाज के अंदर से एक रस निकलता है, मूल रस है जिसका आप इंसुलिन कहते हैं, वो इंसुलिन निकलती है उसमें से। शरीर के प्रत्येक अंदर के जो ग्लैंड से उसका रस निकल जाता है, बस ग्लैंड का यही काम है, उसके अंदर से रस निकलता है इंसुलिन। वो एक उसका एक सिरा है, उसका जो हमारे मेदे के साथ एब्डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो रस सीधा उतर जाता है,
खाने पर जाते, खाने के साथ उसका चला जाता है। और खाने में जो हम शुगर खाते हैं उसको डिजॉल्व करके वो शक्ति में बदलता है, ये काम है उसका। अब अगर नलका हो तो नलका पीछे से पानी ना आए, या नलका टूट जाए तो पानी नहीं मिलेगा। पैंक्रियाज से अगर उसमें मल जमा हो जाए, कमजोर हो जाए, तो वो काम खत्म हो जाएगा। ये हालत है, पैंक्रियाज को गंदा कर देते हैं मल, जैसे जीभ है, जीभ को गंदा कर दे तो जीभ के अंदर जो सलाइवा निकलता है वो निकलेगा, भोजन खाने का स्वाद नहीं आएगा। पर गंदा क्यों हुआ? हमने खुद गंदा किया। पैंक्रियाज गंदी क्यों हुई? हमने खुद गंदी की, इसलिए गंदी हुई, इसलिए डायबिटीज हो गया। तो ये हमें तो साफ रखना होगा उसका। तो इसलिए इसका जो इंसुलिन है, इसका क्रिया यही है कि इसको शुगर जो खाते हैं उसको पचाती है, और शुगर जब ब्लड में सीधी चली जाए तो शुगर पेशाब में भी, ब्लड शुगर भी सब हो जाएगी। अब अगर इंसान को ठीक रखना है तो कैसे रखना ठीक रहे, ये तो बात मामूली है ना। ठीक कैसे रखना है ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हमारी जुबान गंदी हो जाए तो बुरे से या टंग लेने से साफ कर दो। नहीं जी, मुझे कोई ऐसा हो जाए मेरा स्वाद ठीक हो जाए। बस स्वाद ठीक होने के लिए आप साफ कर दो, स्वाद ठीक क्या होने, ठीक स्वाद क्या रुक दे आपको खाना पीना, ये स्वाद लगने लग जाएगा। नहीं जी, कोई ऐसी दवाई दो जो ठीक हो जाए। जुबान पर दवाई डालते रहो, चूर्ण खाते रहो, वो चूर्ण थोड़ी देर काम करेगा, जुबान तो गंदी तो गंदी रहेगी। इसी तरह इस पैनक्रियाज को शुद्ध करने के लिए हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसको करने से लोग ठीक भी हो रहे हैं। क्या हम इसको शुद्ध कर देते हैं? अब डायरेक्ट तो इसका पहुंच नहीं सकते, लेकिन चूस के इसका मेहनत का संबंध है। हम जब शंखपुर जाकर क्रिया करते हैं ना, ये साफ हो जाती है, साफ हो जाती है, फंक्शन करने लग जाती है, और डायबिटीज जो है वो कुछ अंश में ठीक हो जाती है। अगर नियम करे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी डायबिटीज। इस जैसा इलाज दुनिया में है ही कोई नहीं, तो दुनिया को पता नहीं है कि इस तरह भी होता है। ये तो इस आश्रम में कहते हैं कि डायबिटीज का इलाज वो देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, ये शुगर ये इलाज है, इस आश्रम करो, इस मेरे कुछ नहीं है उस मत का, करके देख लो, दो साल करते रहो, आपकी पहले डायबिटीज नहीं ठीक होगी उन आश्रम से। एक बार करने से 5% फायदा हो जाता है। अगर बार बार करें, यहाँ हमारे आश्रम के सदस्य बैठे जिन्होंने इसे पूरा का पूरा फायदा उठाया है, उन्होंने परिवार वालों ने भी। अब ये है योग जो प्रभु जी सिखला रहे हैं, जो प्रभु जी के पास है, क्योंकि वो उनके पास जो ज्ञान है वो अन्यतर योग का ज्ञान सर्वोत्तर नहीं है। तो हम आपको पैनक्रिया इसको, और अगर इसको कमजोरी भी तो आ जाती है ना जब, तो कमजोरी के लिए तो साधन है। अब ये अंदर शरीर के सारे अंगों के लिए, चारों के चारों अंगों के लिए साधन जो है वो पेट के साधन है, उद्यान बंद है, नौली है, सर्पासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, विशेषकर सर्वांगासन तो बहुत काम करता है, क्योंकि सर्वांगासन का काम ये होता है कि पेट के अंदर गैस का प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, और उस प्रेशर के कारण कई अंगों के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, खराब हो जाते हैं। तो सर्वांगासन तो इसलिए उसे सर्वांगासन कहते हैं कि सारे अंगों के ऊपर असर होता है, तो गैस वायु है सारी फील्ड के अंदर है, तो वायु के ऊपर उसका प्रभाव विशेष होता है।
कारण ये कि गैस जो सर्वांग ग्रसन करते हैं तो जो वायु हल्की होकर ऊपर चढ़ जाती है और निकल जाती है, नहीं तो अगर वो सिर की तरफ चले तो सिर को भी असर कर सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर डाले तो हार्ट के ऊपर भी हमें तकलीफ होगी। कईयों को हार्ट की डिजीज होती है, वो हार्ट की नहीं होती, गैस का प्रेशर से उनको दिल को धक्का लगा लगता है। तो सर्वांग आसन है, इस तरह कई आसन है, तो हम अगर इन आसनों से करें तो इन चार जो चारों के चारों अंग हैं शरीर के अंदर के, उनसे उनके रोगों से हम बच सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। अब मैंने कहा पैनक्रियाज ग्राफ जो है, अब देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक अंग, चारों अंग जो है, अभी कुछ विचार करेंगे कि इन सब का जो रस है जो इनके अंदर से खून है बहकर सब जब जाता है, एक के बिगड़ने से दूसरा बिगड़ जाता है। अगर एक के अंदर के खून की खराबी है तो दूसरे अंगों को भी खराबी करेगी। तो इसके लिए अगर हम ये जो अगला हम कर रहे हैं जिसको हम लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, और जिगर सबसे बड़ा आवश्यक अंग है जिसके बिगड़ने से सारा शरीर बिगड़ जाएगा। और वो क्या है उसके बारे में थोड़ा भी ज्ञान होना चाहिए, कहाँ है, क्या काम करता है, कितना बड़ा है, अगर निकालो किसी वो तो मांस का टुकड़ा है, लेकिन मांस का टुकड़ा नहीं है। जैसे आपका कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा है, लेकिन लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये भी एक लोहे की टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा नहीं है, जैसे शरीर के आगे मांस के टुकड़े नहीं है, वो पूरी की पूरी ऐसे काम करने की मशीन है, परंतु हमें उनका तो ध्यान नहीं देते और वो बिगड़ जाती है। अगर इसकी एक तार निकाल दो देखो क्या कुछ कुछ हो जाएगा, उसका एक कान इधर उधर कर दो शरीर के लोगों का तो कुछ का कुछ हो जाएगा। और यही हम कर रहे हैं, जब हम उनको ना साफ करते हैं ना उनका व्यायाम देते हैं, और बिगाड़ने का क्या कारण करते हैं बिगाड़ने का भी बताएंगे कि बिगाड़ कैसे होता है। अगर वो बिगाड़ हम उसकी तरफ ना ध्यान दें बिगाड़ने की तो बिगड़ते रहेंगे, बिगाड़ते हम खुद हैं और सवारने को ना मिल लेते, तो फिर जो बड़े अमीरों ने अस्पताल खुले वहां जाएंगे और वो तामसिक संस्थाओं में पहुंच कर तामसिक जीवन व्यतीत करेंगे। जो अस्पताल में पड़ा उसका जीवन तामसिक नहीं तो और क्या है, और योग आश्रम में इनका जीवन सात्विक है, आसमान और जमीन का पताल का फर्क है अस्पताल और आश्रम का। तो अस्पताल नहीं खोले तो आश्रम खोले हैं कि जहां करे और तुम्हें अस्पताल में जाने की जरूरत न पड़े, तो तुम उसको साधनों को सीखो करो, ये नहीं आकर माथा टेकने से काम बनेगा, घंटा भर रोज साधन करने होंगे, और जो नहीं करते उनको यहाँ आना भी फजूल है। लेक्चर उपदेश तो बहुत जगह होते हैं, उसके तो सुनते हैं हमें आजकल दिनों कान रस बहुत है, ये आंख रस टीवी पर देखते हैं बहुत मजा आता है, वहां गए होते हैं बहुत मजा आता है, कान रस है और आंख रस है, समय बर्बादी है, करते कुछ भी नहीं। अब ये जो है हमारा चौथा गुरुदेव तरी के बारे में बताया था, अब ये लिवर है दूर है ये क्या है, मैं बताया था ये तिली जो है ये पेट के बाई तरफ है, ये बड़ा भारी अंग है, और जो लीवर है ये पेट की ऊपर की तरफ उसी तरह बिल्कुल रिवर्स साइड पर ये एक दाई तरफ पेट के ऊपर है ऊपर की ओर। और इसका विशेषता यह है कि इन जितने पेट के ये जो चार चीजें हैं ग्लैंड्स इनमें सबसे बड़ा है लिवर, सबसे बड़ा है क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा है। ये खून जो मर है, खून की स्ट्रीम जो है ये लिवर के अंदर से होकर सारे शरीर में जाती है, देखो कितना बड़ा जाएंगे, अगर ये गंदा होगा सारा शरीर का खून ही गंदा हो गया। और इस वक्त तो देखा जाए खून इसलिए जाता है तो 10
प्रतिशत खून जो तो सारे शरीर का हर वक्त इसमें रहते हैं। अगर कहीं 100 मात्रा में खून है तो 10 मात्रा में हर वक्त इसमें रहता है। इतना ये महत्वाकांग है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है। जो पैनक्रियाज है या स्प्लीन है उनमें से अंततः था उसमें जो खून की धारा उनसे निकलती है वो भी इसी में से हो जाती है। अगर वो खराब होगी, पैनक्रिया खराब होगी, कुछ होगा तो इसको भी खराब कर देगी। इन विचारों के आपस के अंदर बड़ा संबंध है, गहरा संबंध है। अब लोग काम क्या करता है? खून तो इसमें रहता है, 10% खून इसमें रहता है। करता क्या है? जितना खून इसमें आता है वो उसको शुद्ध करते हैं। और जो खून में से भोजन के तत्व है ना उनको ग्रहण करते हैं, जिन्हें शरीर बनेगा। जो खून ऐसे नहीं पैदा चल जाए, खून के अंदर से जो शक्ति के तत्व है वो लीवर ग्रहण करते हैं। और वो तत्व जो है, जो शक्ति के तत्व है वो एकदम निकाल नहीं देता, वो उसमें जमा करके रखते हैं जरूरत के लिए। और वो तत्व जैसे यहां लिखा हुआ है, शुगर, आयरन, विटामिन डी जितने हैं वो भर जाते हैं। अगर वो खराब हो जाए लीवर तो सारी की सारी शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर वो ठीक स्वस्थ है तो हमें वहां से हर समय शक्ति मिलती रहेगी। जहां कमी आए वो पूरी करता है। ये समझो कि उन शक्तियों का एक स्टोर हाउस है। और तीसरी एक और चीज करता है ये कि शरीर के अंदर जितनी हमें गर्मी चाहिए, शरीर ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन 6.5 तक पहुंच जाएगा। ये शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। शरीर को उष्णता, गर्मी जो शरीर को जरूरत है वो यही सोचते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा एक शक्तिशाली हमारा अंग है जो काम करता है। लेकिन ये चार अंग मैंने बताए और बहुत से अंग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने कहा ये चार हैं जिनके एक बिगड़ने से हमारा जीवन खत्म हो जाता है। गुर्दे बिगड़ जाए, ये जिगर बिगड़ जाए, या पैनक्रियास बिगड़ जाए, या पक्की तिली बिगड़ जाए, जीवन खत्म पड़ जाएगा। तो क्यों नहीं इनके ध्यान देते? इन चारों को शुद्ध रखने के लिए ध्यान तो एक आवश्यक क्रिया है जो हम साल में 2-3-4-5 बार जरूर करें ताकि शुद्ध रहे, अंदर के इन्हें माल न जमा हो। घर के बर्तनों को मांजती रहती है, लेकिन अपने शरीर के अंदर के अंगों को भी मांजते रहे साफ रखे और गंदा न होने। सबसे ज्यादा जो हम अपराध करते हैं वो हमारी जुबान है जो अपराध करवाती है। क्योंकि हम जब खाते हैं तो खाना जाकर खून बनाएगा और श्रीकांत बनाएगा, लेकिन वही खाना अगर एसिड बनाने लग जाए या गैस बनाने लग जाए तो वो तो शत्रु बन गया ना। जहाँ खून बनना है वहां एसिड बन गया, गैसें पैदा हो गई। तो ये तो फिर कौन करता है? ये जुबान करवाती है। जब खाना खाते हैं तो मैंने कोई चीज खाई, दूध पिया या कुछ लिया, अब दूध तो मेदे में चला गया, मेदा पर फंक्शन करता है। वो फंक्शन करते करते वो जो कुछ करना है उसको शरीर का पुष्टि तत्व देने हैं उसको कम से कम 3 घंटे चाहिए। हमने दूध पिया, 5-10 मिनट बाद मिठाई खा ली, या नहीं रात को खाना खाया तो फिर दूध पी लिया, बस क्या नतीजा होगा? अंदर मल पैदा होगा, शक्ति पैदा नहीं होगी, विचारों के जंग धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे।
अब जब चारों काम मिल गए, एक बिगड़ने दी, इतनी इनके शरीर के अंदर एडजस्टमेंट, इतनी शक्ति भगवान ने दी, कोई चीज बिगड़ती है तो उससे सहन भी करने की शक्ति आदमी को, परंतु कब तक सहन करते रहेंगे। इसलिए पहले जो हमारा दुश्मन है ना, इसको काबू में रखना चाहिए। जो चीज मुंह में डाले तो बस 3-4 घंटे मुंह बंद रखे, फिर न खोले। कभी बीमारी अंदर सारी अंग सी गई, लेकिन हम तो 10 बार मुंह खोलते हैं, प्रसाद मिला खा लिया, कहीं कहीं हलवाई के टाइम पे स्वाद में दिखला दो, चीनी मिली खा ली, रेवड़ी मिली खा ली, तो 4 या 5 बार मुंह खोलना है। जैसे लेटर बॉक्स की तरह जोहर टीसी डाल दो, जोहर टीसी डाल दो, वो तो करोगे तो फिर ये हालत होगी। तो खाना जो है ये अंदर मल को तो खाने पैदा करते हैं ना, शरीर के अंदर मल तो खुद तो नहीं बनता, पर मल खाना मल भी पैदा करता है, खाना शक्ति भी पैदा करता है। तो शक्ति तो पैदा करें, मल तो ना पैदा करें। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो खाने के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर कह रहे नहीं, ये देखो इसमें तुम्हारे खाने के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, वो होने चाहिए, उससे कुछ नहीं बनता। एक गरीब आदमी को कुछ भी ना मिले, 2 रोटी 100, 2 रोटी 100 मिले और कुछ भी ना मिले, तब भी शक्तिशाली रहेगा। ये नहीं कुछ विटामिन बी है कि डी है कि नहीं है, डी है, क्योंकि खून बनेगा उसके अंदर। एक रोटी खाते हैं उसके क्या तत्व नहीं होते, सारे तत्व होते हैं, और वो उसको उपयोग होना चाहिए। और नहीं जी आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, ए की कमी है, वो नहीं काम बनेगा यहाँ पर योग में। खाना बैलेंस होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, परंतु बैलेंस खाना तभी फायदा देगा जब टाइम भी बैलेंस हो। तो बिना टाइम के तो कोई कितने भी अच्छा खाओगे तो नुकसान देगा। तो इसलिए ये जो अंगों के शरीर के अंदर के अंगों का है, क्योंकि खाना तो अंदर जाता है, अंदर ये बैठे हुए अंग, इन अंगों को हमने ठीक भी रखना है, स्वस्थ भी करना है। खाने ठीक खाने से स्वस्थ भी रहेंगे, और ठीक खाने से इनमें शक्ति भी आएगी, गलत खाने से बिगड़ेंगे भी और बीमार भी करेंगे। इसे और फिर व्यायाम मैंने बताया, इनके लिए कॉमन व्यायाम है पेट के जो व्यायाम है, क्योंकि वो अंदर ही है। और शरीर को याद देने एक और क्रिया है जो इनकी शुद्ध करने के लिए कपड़े धोते रहते हैं, तो शरीर को भी धोना चाहिए। कभी ना कभी कपड़े धो लेते हैं हफ्ते बाद, पर इसको 1-2 महीने के बाद ही धोया करो शरीर को, अंदर को नहीं धोते। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम उन अमीर लोगों के अस्पताल में जाकर टक्कर मारते हैं, और अमीर लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमने ये अस्पताल खोल दिया, वो अस्पताल खोल दिया। मैं कहता तुम्हारे से ज्यादा अस्पताल हमने खोला हुआ है जिसमें कुछ भी खर्च नहीं है, लेकिन जिसमें ये शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, मोक्ष ही मिलेगा। अस्पतालों के अंदर होगा, जो अस्पताल में मरेगा वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, उसका शरीर ध्यान रहेगा। वो तो नरक के द्वार है, परंतु हम नरक के द्वार में खुद जाते हैं, क्यों योग नहीं करते। तो इसलिए आज हमने ये पेट के ऊपर वर्णन किया, एक एक अंग के ऊपर हम कई व्यक्ति कर रहे हैं, ताकि हमने गीता के ऊपर 20 लेक्चर दिए, वो हमारी बुद्धि के लिए मन के लिए थे, पर तो बुद्धि और मन भी काम नहीं आएगी जब तक शरीर का ठीक होगा। आप कहते हैं बड़े अच्छे लेक्चर थे, वो थे ठीक है, ये उससे ज्यादा मेरे लिए काम आने वाली चीज है जो हम आजकल कर रहे हैं। तो 6-7 लेक्चर दिए हमने, आगे शरीर के और जो अंग हैं उनको कैसे ठीक रखना है, क्या करना है, जो लोग आते हैं उनसे बचना कैसे है, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ऊपर सुन लिया, लेकिन कल से फिर दिन में 10 बार खाने शुरू कर दो, क्या फायदा सुनने के बाद 4 बार मुंह में कुछ डालना, 5वीं बार नहीं डालना दिन में, और वो भी 3-4 घंटे के बाद। और एक चीज भी नहीं खानी, ये नहीं कि अभी थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा इतना भी खाओगे दूध के अंदर इतनी सी खटाई डालने से दूध बिगड़ जाता है, ये नहीं थोड़ी सी डाल दी, पेट के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर इतना सा भी कुछ डाल देंगे और बाहर से तो सारा बिगड़ जाएगा। अगर ये हंडिया में कोई चीज पक रही है तो नहीं ही, एक किलो दाल है उसमें छिटाकी से और डाल देते क्या है, वो छिटाकी किलो को खराब कर देगी। तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत खाने का टाइम हम ठीक रखें,
और जो घर में मिलता है, जो यानी कि सारे गरीबों को विटामिन मिलते रहेंगे, ये विटामिन विटामिन की थ्योरी जो है योग के, इसको कुछ अंश मानता है लेकिन कुछ अंश में उनकी जरूरत भी नहीं है। हर चीज में विटामिन है, किस चीज में विटामिन नहीं है, सबके अंदर विटामिन है। हमारी सूखी रोटी के अंदर भी विटामिन है और उसे ही लोग लाभ उठा रहे हैं और अच्छे अट्ठे घटे हैं और क्या चाहिए उनको। लेकिन नहीं, हमें देखो ये इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो होने चाहिए तभी तुम करोगे। वो हम अमेरिका में थे तो रोज किचन से निकले तो गोलियां खा ले, तो क्यों खाते हो? अभी जो डाइट में कमी होती है ना, ये विटामिन पूरी करते हैं। तो ये तो ठीक है, ये क्योंकि यहाँ तो अगर ये ना करें तो यहाँ के जो कारखाने बंद हो जाए, वहां तो ये चीजें दो करें और कारखाने चलते रहे, वो वहां जुकाम बहुत लगता है लोगों को। क्यों लगता है? वो उनके रुमाल जो है, हम ये कपड़े के रुमाल यूज करते पेपर के रुमाल, और मैं कहता हूँ पेपर रुमाल जो नाक पूछते हो तो उसका जो फाइबर अंदर जा जाते हैं तो जुकाम करेगा ही, नीचे में आएंगे। लेकिन वो जो ऊपर के पेपर बनाने वाले हैं वो ये यूज नहीं करने देते, वो दर दर सप्लाई करते हैं। हर एक कार में इतने कागज रखे हुए हैं, वो नाक सफा करते हैं, छीन लेते हैं। जितना कोल्ड उधर है ना इतना हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि उनका जो रुमाल वगैरह और भी कई चीजें हैं वो नुकसान भी है। अब एक और ये है, हमारे तो कमरे खुला है, हवा आती है, उनके कमरे 24 घंटे बंद रहते हैं तो खुली हवा तो मिलती नहीं, चाहे एटमोसफेयर कुछ भी हो। मैंने की सर्दी या गर्मी के ऐसे शहर है जहाँ ना सर्दी है ना गर्मी है, फिर भी कमरे बंद रहेंगे। एक तो यहाँ पर इसलिए बीमार रहते हैं, फ्रेश हवा नहीं मिलती। बीमारी उधर जिन मुल्कों को, सबसे बड़े अमीर मुल्कों में बीमारी हमसे ज्यादा है। कारण ये है, एक मुल्क का जो हमने देखो फर्श जो है सीमेंट के हैं या किसके, उनके फर्श लंगे नहीं रहेंगे, वो एक कारपेट होगी जिसमें हमसे धूल उठती रहती है, वो भी नाक में जाती है। उधर कमरा बंद, उधर हवा बंद, उधर धूल उठती, उधर नाक में दूसरे कागज। तो ये चीज अपने को बड़ा समझते हैं, लेकिन जो ऋषियों की हमारी परिपाटी है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खुली हवा, दरिया के बैठने है बैठा हुआ, खुले कमरे हैं, खुली सनशाइन है, ये अगर नहीं मिलेगी तो विटामिनों से क्या काम बनेगा? तो इसलिए हमने ये थोड़े से रोगों के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान में करें भी। आज हमने विषय को भोजन के ऊपर कहना, तो भोजन तो भोजन करेंगे तो फिर ये जो ग्लैंड लून है सोचने की जरूरत नहीं, सब ठीक रहेंगे। ये अपने प्रभु जी का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर हम भोजन का ध्यान रखेंगे तो प्रभु क्या करेगा हमारे लिए? वो तो जब खराब हो गया तो प्रभु तो अपने हाथ से साफ करने आएंगे, साफ तो संख्याल नहीं करना है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु।